guys, welcome back to my DIY hub. Vitamin E oil beauty remedies में एक बहुत ही vital और essential ingredient है. चाहे वो कोई भी product हो या remedy हो, vitamin E oil हमारे skin और hair को overall healthy रखता है. तो मेरा आज का ये video dedicated होगा vitamin E oil के beauty benefits पे. Guys, vitamin E oil के दो forms आते हैं बाजार में. एक तो आपको कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएंगे कोई भी मेडिकल स्टोर्स में, इबियॉन 400 करके, जो सबसे कॉमनली अवेलेबल है. अगर आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना पसंद नहीं है कैप्सूल से, तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, ईविट करके विटामिन ई ऑयल भी मिलता है बाजार में, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं. इन सारी चीजों की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी. गाइस, विटामिन ई ऑयल एक पावरफुल फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्यूटी और हेल्थ को रिजुविनेट करता है. आज मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी कि कैसे आप विटामिन ई ऑयल को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आप अपना ओवरऑल ब्यूटी एनहांस कर सकते हैं. एक कॉटन बॉल ले और एक विटामिन ई के कैप्सूल को प्रिक करके उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर ले. ऑयल को उस कॉटन बॉल पे निकाले और उसके बाद इसके इस्तेमाल से अपने पूरे फेस को आप क्लीन कर सकते हैं. फेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करें इसका, या फिर मेकअप उतारने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. विटामिन ई ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है. सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा थोड़ा गुनगुना नारियल का तेल, या मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया है और उसमें नारियल के तेल को पिघलने के लिए और गर्म होने के लिए छोड़ दिया है. जब नारियल तेल हल्का गर्म हो जाए, तब एक कटोरी लेके उसमें आप एक छोटा चम्मच डाले नारियल तेल और आधा छोटा चम्मच डाले विटामिन ई ऑयल. ये इसी रेशियो में आप कितना भी बना सकते हैं आपके बाल के लेंथ के हिसाब से. इस तेल को अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें और 30 मिनट तक रहने दें. फिर गुनगुने गर्म पानी और माइल्ड शैम्पू की मदद से धो लें. विटामिन ई ऑयल को आप कोई भी मॉइस्चराइजर के साथ मिला के यूज कर सकते हैं. ये आपके डिहाइड्रेटेड स्किन को रिजुविनेट करता है. इसके लिए कोई सा भी फेस मॉइस्चराइजर ले ले. यहाँ मैंने लैक्मे का एक मॉइस्चराइजर यूज किया है और एक विटामिन ई कैप्सूल का. एक क्लीन बोल में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ले और एक विटामिन ई कैप्सूल से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उन दोनों को अच्छे से मिला ले. आप अपने मॉइस्चराइजर बॉटल में भी डाल सकते हैं विटामिन ई ऑयल और इसे डेली यूज कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और सफल होगी. अगर आपके हाथ बिल्कुल ड्राई और रफ है, तो विटामिन ई ऑयल की मदद से आप बिल्कुल उसे सॉफ्टन कर सकते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले एक बड़े से बोल में गुनगुना गर्म पानी लेना है और आप एक नींबू लेके उसका रस निचोड़ के उस पानी में डाल दें. रस निचोड़ने के बाद उस छिलके को भी पानी में ही डाल दें. अब एक बड़ा चम्मच शहद डालें इसमें और करीब 10 से 12 बूंदे विटामिन ई ऑयल के मिला लें. अच्छे से सारी चीजों को मिलाएं और अपने दोनों हाथों को इसमें डुबो के रखें 10 मिनट तक. दस मिनट बाद अपने हाथों को अच्छे से एक तौलिया से पोंछ लें और उसके बाद अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लें. ऑलिव ऑयल और विटामिन ई ऑयल मिल के कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट करता है और आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को बिल्कुल खत्म कर देता है. इस तेल को बनाने के लिए हम लेंगे एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल और आधा छोटा चम्मच विटामिन ई ऑयल. दोनों को अच्छे से मिला ले और रात को सोने से पहले जेंटली इस ऑयल को मसाज करें अपने पूरे फेस और नेक पे और ऐसे ही छोड़ दे रात भर. विटामिन ई ऑयल पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी क्योर करता है. अगर आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन कई जगहों पर डार्क है, तो उसके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है.
आधा छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल ले और 1/4 टीस्पून ले विटामिन ई ऑयल। अच्छे से दोनों चीजों को मिला ले और अपने अफेक्टेड एरियाज पे इसे लगा के रखें। रेगुलर यूज से बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे। एक्ने ट्रीटमेंट और एक्ने स्कार्स के लिए भी विटामिन ई ऑयल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एलोवेरा जेल और चाहिए होगा हमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। एक क्लीन बोल ले और एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल डालें उसमें। अब विटामिन ई के 2 कैप्सूल से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसमें मिला लें। अच्छे से दोनों चीजों को मिला लें और आपका क्रीम बिल्कुल बनके तैयार है। अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन और पैड ड्राई करें और अफेक्टेड एरियाज पे इस क्रीम को लगा लें। 10 मिनट रहने दें, फिर धो लें। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स स्कार्स और स्पॉट्स को लाइटन करने में हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइज़।